Sautia e... Brigitte. मुझे कुछ खटक रहा है। क्या क्या सुहास नागरे को मारोगे तो? विश्राम जी क्या बोल रहे? देखिए सुहास, मैं यहाँ दुबई से लतीफा सुनाने नहीं आया हूँ। रशीद भाई, पूरी मुंबई में आग लग जाएगी। मुंबई की फिक्र नहीं है मुझे। साल में 200 करोड़ का धंधा रोज रोज नहीं मिलता, ये तो करना पड़ेगा। चाहे सरकार को मारना पड़े या उसके बाप को। विश्राम जी, इसको समझाइए। ये दुबई से आया है, इसको मुंबई के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इसको समझाइए, आप ही बताइए इसको। बता तुम्हारे दिमाग पे ताला पड़ा हुआ है क्या? बात तुमको समझ में नहीं आ रही? ठीक है, तुम लोगों को यह बेवकूफी करनी है करो, तुम लोगों को कुएं में कूदना है कूदो, मैं इसमें नहीं, मैं इस मामले में नहीं हूं, मैं चलता हूं। मैं इस बात को बाहर नहीं जाने दे सकता। रशीद भाई, मैं गारंटी देता हूं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूं। रशीद भाई, आप ठीक बोल रहे थे, मैं तो पागलों जैसी बात कर रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं क्या उसको मारना चाहिए? कोई भी फैसला चुनाव से होना चाहिए, दबाव से नहीं। रशीद भाई, स्वामी जी का मैसेज आया है, वो मिलना चाहते हैं। सुभाष नागरे और सरकार को मारने में बहुत फर्क है। सुभाष नागरे एक आदमी है, सरकार एक सोच। आदमी को मारने से पहले उसकी सोच को मारना जरूरी है। मैं कुछ समझा नहीं स्वामी जी। बताता हूं, क्या सोचता है यार, उनसे बड़ा दिमाग वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये सावतिया कौन है? मेरे बारे में इंक्वायरी कर रहा है। वो सरकार का खासम खास आदमी है, उसको लाइटली कभी नहीं लेना। ये सब मामले में हमारा भी बाप हो सकता है वो। चुप। मैंने क्या किया? ए, एक तो चीटिंग करती है, ऊपर से झूठ बोलती है, कशाला करते है इसे। कोई चीटिंग क्यों करता है? जीतने के लिए। जीतना इतना जरूरी है? हाँ,
किसी दिन हारना पड़े तुम। हो ही नहीं सकता। मैं गेम की नहीं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। जब सरकार मेरे साथ हो तो मैं किसी से कैसे हार सकती हूँ। आइए आइए, वेलकम वेलकम। आइए आइए राठौर सर, आइए आइए। एक मिनट एक मिनट, अच्छा। शंकर कैसा है बेटा? ठीक हूँ। हाय राठौर साहब, ये पूजा है। नमस्कार खुराना साहब, व्हाट एन ऑनर। आइए आइए आइए, जरा हटिए, आइए सर आइए। खुराना साहब, आपका काम नहीं हो सका। सुभाष का इरादा बदलना नामुमकिन के बराबर है। मेरी राय में सुभाष का नजरिया भी पूरी तरह से गलत नहीं है। हिंसा किसी मसले का हल नहीं होता। कोई भी आदमी हिंसा के उपयोग से अपनी मनमानी करता फिरे, ऐसा आदमी समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं क्यों डरूं? ये तो सच है। गरीबों का घर बसाने की आड़ में कुंडे पाले जा रहे हैं और इस प्रोत्साहन के पीछे एक ही आदमी है, सुभाष नागरे। खुराना साहब की बातों में आपके लेवल की थिंकिंग है। जनता सुभाष नागरे को नहीं जानती, इसलिए वो उसको पूजती है, अपना मसीहा मानती है, पर असलियत में वो एक गुंडा है। तो मेरे ख्याल से प्रजातंत्र में पब्लिक का सपोर्ट भी बढ़ रहा है उसके लिए, इसलिए तो फुदक रहा है ना मेंढक की तरह। एक कान के नीचे बजाओ, सब सही हो जाएगा। सरकार पहले ही आदमी अपनी एक हैसियत में रहता था, लेकिन अभी तो प्रेस में टीवी पे खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है हमारे खिलाफ। पुष्पा जरा अचार लाना। खुराना साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके जैसे आदमी का इस दुनिया में रहना बहुत जरूरी है।